चलें जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। ये पार्ट टू है मेरा सोहरावगढ़ गाय मंडी के हवाले से, और इसमें ये पूरी बच्चियाँ जो है ना वो आ गई हैं माशाल्लाह से। कुछ बकरे भी आजकल तो दो तीन बकरे भी अभी तक नज़र भी आए हैं माशाल्लाह से। ये बच्चियाँ हैं वो जो शौकीन होते हैं मिड रेंज वाली बच्चियाँ हैं वो, ये सारी हैं बच्चियाँ भी आ गई हैं मंडी में अच्छी तादाद में, काफ़ी तादाद में। और इसमें जो बेचने वाला माल है वो भी आ चुका है माशाल्लाह से, अफगानियों का माल है बेसिकली, आप लोग चेक कर सकते हैं माशाल्लाह भाई। मीडियम कैटेगरी वाली भी बछड़ियाँ, पूरी पट्टी है बछड़ियों की है, तो एक ख़ास तौर पर टेंट लगा हुआ है माशाल्लाह से। और एक छोटी बछड़ी भी नज़र आई है, उसको भी करीब से दिखाता हूँ। जोड़ी तो चेक करें, घेनी जोड़ी माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम बाबा, इसको क्या मांग रहे हैं दोनों का? इसका 7 लाख जोड़ी का, जोड़ी का घेनी है ना, घेनी बेचने 7 लाख मांग रहे हैं माशाल्लाह भाई। तस्वीर दे दे, तो तस्वीर आ गई भाई। 7 लाख भाई मांग रहे हैं, सोच रहा हूँ कि रेट्स नहीं मालूम का उसे आप लोगों की खातिर मालूम कर लेता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बकरा भी नज़र आ चुका है, खैर बकरा मंडी अभी नहीं लगी, जब लगेगी तो 10-15 दिन बाद ही लगेगी। सही है भाई, ये बछड़ियों का सेक्शन है पूरा अफगानी भाइयों का आया हुआ है, और ये वही व्यापारी हैं जो पिछले साल भी आए थे। सही है, ये बछड़ियों का सेक्शन था, बाकी ये पुराना है। सिब्बी किसके हैं आपके? एक दो के तरह रेट बता देंगे। ये वाले बछड़े का क्या मांग रहे हैं? हमारे बहुत लोगों ने तंग किया हुआ। अच्छा चलो, कोई मसला नहीं, कोई मसला, लेकिन अभी रेट्स वगैरह कोई नहीं बता रहा ना, सब ऐसी ये मजाक ऐसी चल रही है। सही, कोई मसला है तो भाई ये आप लोग चेक कर सकते हैं। बहुत जो है ना वो फजूल लोग जरा से लाते हैं नहीं रेट्स वगैरह मालूम प्रॉपर तरीके से, मजाक ऐसी करते हैं जब भी व्यापारी भाई भी तंग होते हैं। खैर ये लाइट्स का टेंट आप लोग चेक कर सकते हैं। अब ज़रा ये दिखा दूँ आप लोगों को, अभी वहाँ से मंडी घूमता हुआ आ रहा हूँ वो वाली साइड से, इधर तक आया हूँ, और अभी मैंने कुछ ये रेट्स मालूम किए हैं। वैसे थोड़े रेट्स हवाओं में थे, वो तो मुझे बहुत हैरानगी हुई वाले बछड़े के, वहाँ पर बहुत डिटेल रेट्स मांग रहे थे, 11.5 लाख वगैरह सिब्बियों के मांग रहे हैं भाई। वैसे सही सही भाई, तो ये सब सीन है, ज़रा वहाँ पर चलते हैं। ये सब टेंट्स लग रहे हैं अभी, वक्त इंशाल्लाह माल आएगा आने वाला। हो सकता है मैं नहीं दिखा पाऊँ कुछ दिनों तक, मेरी तबीयत बहुत नासाज है, आप लोग चेक कर सकते होंगे मेरी आवाज़, मैं सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, दुआ करिएगा। सही दोस्तों, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये वो बछड़ा था जिसके बारे में शायद से यही हुई बछड़ा था, इसके बारे में सुनने में आ रहा था कुछ लंपी वगैरह के हवाले से, लेकिन है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह से। सही है भाई, ये देख सकते हैं भैया, लाइट्स वगैरह का भी इंतज़ाम हो रहा है मंडी में, बछड़े भी काफ़ी सही वाले आ रहे हैं माशाल्लाह। और छोटा माल के जो शौकीन है ब्लॉक भर रहा है आहिस्ता, अपने ख्याल से कल या परसों तक पूरा भर जाएगा इंशाल्लाह। सही है, ये देख सकते हैं आप लोग, वीआईपी वाला थोड़ा सा कैटेगरी वाला माल है, खूबसूरती में बेहतरीन है। सही है, और बेहतरीन है सब बेहतरीन है, सब बेहतरीन माशाल्लाह। क्या लाख क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? 6 लाख मांग रहे हैं माशाल्लाह, 6 लाख मांग रहे हैं भाई। ये देख सकते हैं आप, खूबसूरती वाला है लेकिन फिर भी 6 लाख ज़्यादा है। चलें अब उधर चलता हूँ, उधर आपको जानवर दिखा देता हूँ। इसमें कुछ हैवी बछड़ियाँ भी हैं माशाल्लाह, खूबसूरती वाली बछियाँ हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो जानवर बेसिकली जो मेन जानवर आए हैं ना, जो ज़्यादातर ख़रीदार होते हैं छोटे, वो वहाँ पर आए हैं, वो बिल्कुल स्टार्ट में रहा है। ये पीछे जो जानवर है ना, ये सारे जो है ना वो अभी मतलब जो हैवी कैटेगरी वाले होते हैं वो ज़्यादातर आए हैं माशाल्लाह से। कुछ मुझे बछड़े भी नज़र आ रहे हैं, रेट्स तो अभी नहीं मालूम कोई सही तरीके से बता रहा, ये देख सकते हैं आप लोग। कोई फ़ायदा नहीं है रेट्स बताने का, लेकिन खूबसूरती वाली बछियाँ कल दिखाई दी हैं, खीरी बछियाँ दो माशाल्लाह से। सही है, अब ये मेरा दोस्तों दूसरा पार्ट यहाँ पर एंड करता हूँ मैं, अब तीसरा पार्ट स्टार्ट करता हूँ, और हो सकता है तीसरा पार्ट ना बनाऊँ क्योंकि जो है ना वो अच्छा घर भी आना है, तो थोड़ा लेट हो गया था आज मैं, हो सकता है तीसरा पार्ट नहीं बनाऊँ
अब अगले दिन ही जो भी वीडियो बना सकूँ तो बनाऊँगा। सही है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।